नाजरीन आपको पिंडी घेप से खबर दे रहे हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब रावलपिंडी डिवीजन आरिफ रहीम कहते हैं कि डिवीजन और जिले सतह के बाद तहसील लेवल पर एंटी करप्शन की खुली कचहरियों का इनेकाद सिर्फ आवाम की आगाही के लिए है। आवाम के मसाइल और मुश्किलात उनकी दहलीज पर हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा तहलकारी यासिन मकसूद से। जी यासिन मकसूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब रावलपिंडी डिवीज़न आरिफ रहीम ने कहा है कि डिवीज़न और ज़िलाई सतह के बाद तहसील लेवल पर एंटी करप्शन की खुली कचहरियों का इनेकाद सिर्फ आवाम की आगाही और इनके मसाइल और मुश्किलात इनकी दलील पर हल करना हमारी अवलिन तरजीह है, ताकि आवाम बिला खौफ व खतर किसी भी सूबाई महकमे के हाथों नाइंसाफ़ी के इजाले के लिए अपना हक हासिल कर सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अटक तारिक अली बसरा, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अटक गुलाम असगर चांडिया और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गेप चौधरी मनोहर हुसैन लगड़ियाल के हमरा बल्दिया रेस्ट हाउस पिंडी गेप में मुनाकदा नाकाम खुली कचहरी से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अबैदुल्ला तैर, SHO इसरार अहमद सती, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज मियाँ शहबाज समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ब्यूरोक्रेसी की चलाकी और मकामी इंतजामिया की मिली भगत से खुली कचहरी के इनेकाद के मुकम्मल इल्मी की बुनियाद पर अवाम की तरफ से एक भी दरख्वास्त न आ सकी, मगर मकामी मीडिया की नुमाइंदगान ने अवाम की भरपूर तर्जमानी करते हुए तहसील के मसाइल से आगाह किया। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे।